अल्फाजाती चन में हर दिन नया रंग, प्यार और स्वाद का यहाँ है संगम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने जा रही गेहूं के आटा और आलू के भरते से नमकीन। ले लेंगे गेहूं का आटा 1 कप, डाल देंगे आलू का भरता बना लिए थे पहले उबाल करके, उसको डाल देंगे। डाल देंगे सूजी, तिल, वाइट तिल डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, साबुत जीरा, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, कस्तूरी मेथी महीन किया हुआ, तेल डाल करके सारे को मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे अभी। सारा मिक्स हो गया, इसमें पानी नहीं लगा है, पानी डाल भी सकते हैं, इसमें नहीं लगा है, तेल में ही गुदा गया। 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढक करके डाल देंगे। 10 मिनट हो गया, सेट हो गया आटा, बना लेंगे लोई एक बड़ा सा। लोई बन गया, इसको आप बेल देंगे। एक रोटी की शेप में बेल देंगे इसको। बेला गया है, ज्यादा पतला नहीं बेले इसको, रोटी को। इसमें डाल देंगे घी, घी लगाने के बाद डाल देंगे मैदा या गेहूं का आटा कुछ भी सारे रोटी पे। मैदा डला के अब इसको अब रोल कर देंगे धीरे धीरे, इस तरीके से सारे को रोल कर देंगे। ये हो गया भात से, इस तरह से इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, हाथ से थोड़ा बड़ा बन गया। अब इसको चाकू से, एक चाकू लेकर के काट देंगे, इस तरीके से सारे को काट देंगे। सारा कट गया, इसी तरीके से दूसरी रोटी को भी काट देंगे बेल करके। सारा बन गया है, अब छान देंगे। तेल गरम हो गया, डाल देंगे नमकीन एक एक करके सारे को। सारा डला गया, धीरे धीरे फ्राई होने देंगे, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। दोनों साइड से फ्राई हो रहा है, अलट पलट करते रहेंगे। फ्राई हो गया, अब निकाल देंगे सारे को। गेहूं के आटे और आलू से नमकीन बनके रेडी है।